तो पब्लिक आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बगैर किसी एमुलेटर के बगैर किसी ओएस के पबजी मोबाइल के किसी भी वर्जन को अपने लो एंड पीसी में कैसे प्ले कर सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं ये एक ब्राउजिंग मेथड है, मतलब इसके लिए आपको सिर्फ एक ब्राउजर चाहिए और कोई भी एमुलेटर नहीं चाहिए। हालांकि आपको पता है कि पहले भी एक ब्राउजिंग का मेथड आया था और वो मेथड फ्री नहीं था, पेड था। उस मेथड के अंदर जब आप पबजी मोबाइल की आईडी लॉग इन करते थे आपको बैन होने का खतरा होता था, आपकी आईडी हैक होने का खतरा होता था, आपके एफबीएस ड्रॉप होते थे और आप उसको कुछ ही टाइम के लिए खेल सकते थे। लेकिन ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम है। मतलब आप पबजी मोबाइल का कोई भी अपडेट आ जाए या फिर आप इस वीडियो को किसी भी टाइम देख रहे हो, भले 10 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको वेबसाइट प्रोवाइड करने वाला हूँ ये 100% फ्री है। पहले ही मैं बता दूं आप इसको मोबाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने 512 MB रैम वाले पीसी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर उस चीज जिसमें इंटरनेट चलता है आप उसमें पबजी मोबाइल को खेल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपने करना है कि कोई सा भी ब्राउजर जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ज्यादातर पब्लिक यहाँ पे गूगल क्रोम यूज करती है, मैं गूगल क्रोम यूज करूंगा। इस लिंक को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस तरीके की वेबसाइट्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने एंटर नाउ के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको फिर से एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड में यहाँ पर आप देख सकते आपको एड्स देखने के लिए मिलते, इन्हें आप बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि भाई ये फ्री है तो जो डेवलपर है वो इसी से ही पैसे कमा रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं तो यहाँ पर हमारा जो है वो एमुलेटर यहाँ पे चल चुका है। अब इस एमुलेटर को आप इस तरीके से कुछ छोटा बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, अपनी एलसीडी के हिसाब से आप इसको जो है ना एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने एमुलेटर को अगर नीचे करना है, मतलब स्क्रोल डाउन करना है, तो इसके लिए आपने माउस को इधर लाना है, इस तरीके से आप इसको नीचे भी कर सकते हो। साइड से आपको पावर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिलता है, रोटेट का ऑप्शन मिलता है, एमुलेटर्स के जो मिनिमाइज के बटन है वो सारे देखने के लिए मिलते हैं जो कि नॉर्मल बटन है, इन बटन से आपका इतना काम भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ आप यहाँ से क्रोम से भी यहाँ से रेजोल्यूशन को छोटा बड़ा कर सकते हो, आपके ब्राउजर के अंदर भी ये ऑप्शन होता है। पहले आप अपने एमुलेटर को एडजस्ट कर लेना। अब इसके अंदर अब हम पबजी मोबाइल डाउनलोड करना आपको सिखाएंगे। पबजी मोबाइल का कोई भी वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपने अपने क्रोम को ओपन कर लेना, इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर भी आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने उससे ट्राई नहीं किया। यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है पबजी मोबाइल, तो आपने यहाँ पर अपने पहले लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 APK के देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे मैं 600 MB वाला APK डाउनलोड करूंगा, 1 GB वाला भी डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑफिशियल APK है। अब ये जो है पबजी मोबाइल, आप ये सोचेंगे भाई घंटा लगेगा, आपने सिर्फ गिनती के 5 सेकंड वेट करना है, 5 सेकंड आपका पबजी मोबाइल डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ये आपके इंटरनेट पे डाउनलोड नहीं होगा, फॉरेन कंट्रीज के इंटरनेट पे डाउनलोड होता है, तो ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बोलते ही ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अननोन रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेगा, आप उसके बाद आपने बैक वाला ऑप्शन प्रेस करना है, एंड यहाँ पर आपका पबजी मोबाइल आ जाएगा, आपने अपने पबजी मोबाइल को इंस्टॉल करना है, ये बहुत ही ईजी है। पबजी मोबाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपने अपने पबजी मोबाइल को लॉन्च करना है। यहाँ पे सारा कुछ अलाउ करके मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आपको मिलता हूँ। जैसे ही आप ये डाउनलोडिंग वगैरह जो भी कर रहे हो, आपने एक चीज जहन में रखनी है कि आपने कुछ ना कुछ अपने एमुलेटर के अंदर एक्टिविटी करते रहने, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इसकी बात आती है कंट्रोल्स की, की मैपिंग की, इसकी कैसी करिए। देखिए ये एमुलेटर अभी हाल ही में यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट ने पहले ये ओल्ड वेबसाइट थी, लेकिन इसने अपने आप को अपडेट करा, अपने एमुलेटर को भी अपडेट करा है। काफी सारी गेम्स इसके अंदर हैवी आपको साइड पे देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे पबजी मोबाइल ऑफिशियली अभी इसमें नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पबजी मोबाइल नहीं आएगा। इसमें पबजी मोबाइल जो इसकी की मैपिंग के साथ आएगा, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप इसमें पबजी मोबाइल खेलना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के क्रोम के अंदर इसी लिंक से आप मोबाइल के जरिए पबजी मोबाइल को की मैपिंग के थ्रू खेल सकते हैं। दूसरा, अगर आप खेलना चाहते हैं तो मैं एक मेथड आपको बताता हूँ, कोई भी एमुलेटर जो आपके सिस्टम में चलता हो, कोई भी वो एमुलेटर है ना, उस एमुलेटर के अंदर आपने इस लिंक को पेस्ट करना है, उस एमुलेटर की मैपिंग को यूज करते हुए क्रोम के थ्रू आप खेल सकते हो। तो ये 2 मेथड है जिससे आप इसकी की मैपिंग भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।